हेलो एवरीवन मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लेकर आई हूं मटन अकली पुलाव की रेसिपी जिसे लखनवी बिरयानी भी आप कह सकते हैं या लखनवी मटन पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये बनके तैयार हुआ था और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आई होप आपको पसंद आएगी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है मटन जो कि आधा किलो मटन मैंने लिया है उसमें डाल देंगे हम कुछ प्याज आध एक प्याज को स्लाइस करके मैंने डाल दिया अब यहाँ पे लिए हैं कुछ खड़े मसाले जिसमें लिए हैं हमने दालचीनी बड़ी इलायची छोटी इलायची हरी इलायची सॉरी स्टारीस और ये सारे मसाले जो आप देख रहे हैं ये सारे मैंने मसाले लिए इन सभी मसालों को इसमें हम डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं मटन को मैरिनेट तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने एक चम्मच के करीब डाल दिया है और यहाँ पे डाल दिया है हमने तीन से चार चम्मच भर के दही और स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे हमें मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है तो बहुत अच्छे से हम इस सबको आपस में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा मैरिनेशन वाला मटन बनके तैयार हो गया अब इसे ढक के हम थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा मटन हो गया है तैयार मतलब मैरिनेशन हो गया है तैयार उसके बाद में हमने अब कुक हमें मटन को जो है वो पकाना है तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है कुकर में डाल दिया है मैंने तीन से चार चम्मच के करीब घी और ये पुलाव जो है घीमा ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ध्यान हो सके तो घी में ही बताइए नहीं तो तेल भी डाल सकते हैं तो इसमें डाल दिया था मैंने एक प्याज स्लाइस करके हरी मिर्ची को स्लिट करके डाल दिया था तो वो उचकती है तेल में या घी में और थोड़ा सा डाल दिया मैंने लहसुन तीन से चार कलिया मैंने लहसुन की डाल दी है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में और थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद में हमने जो अपने मटन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मटन को हमको इसमें डाल देना है तो सारा मटन इसमें डाल के इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा मटन जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगा तो अब हमें डालना है इसमें पानी क्योंकि पानी की मात्रा हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो अभी मैंने मैरिनेशन जो किया था उसी में ही मैंने पानी डाल के डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इसमें पानी की मात्रा हमें ज़्यादा रखने क्योंकि हमें इसका जो है स्टॉक बनाना है अखनी का मतलब ही होता है स्टॉक मतलब इंग्लिश में उसको स्टॉक कहते हैं और हमारे यहाँ पे इसको अखनी कहते हैं तो ये जो अखनी तैयार होगी इसी में हम चावल को पकाएंगे तो जो मटन का जितना भी फ्लेवर है और ये जो मेरीनेशन और ये जो खड़े मसाले का फ्लेवर है सारा हमारे चावल में आएगा और हमारे चावल बहुत ही बेहतरीन बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन ये पुलाव बन के तैयार होते हैं तो इसको हमने कुकर को लगा लेना और सीटी ले लेना है अब मैंने लिए यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हरी इलायची काली मिर्च लौंग और स्टानी ये सारे मसाले हमने लिए हैं और इनके बनाने में पोटली मैं हमेशा पानी में खड़े मसालों को नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो मुंह में आते हैं तो यहाँ पे हमें चावलों को पकाना है तो इस तरीके से पोटली अगर बना कर उसमें डालेंगे तो सारे खड़े मसालों का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से चावलों में आ जाता है और कोई भी खड़ा मसाला मुंह में इस तरीके से आता भी नहीं तो यहाँ पे मैंने एक भगोने में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था इसमें डाल डालिए कुछ तेज़ पत्ते और ये हमने जो मसालों की पोटली बना के रखी थी वो पोटली इसमें डाल दी अब हम डाल देंगे इसमें नमक तो नमक मैंने यहाँ पे दो चम्मच भर के डाला है क्योंकि पानी को तो हम स्ट्रेन कर लेते हैं तो नमक जो अगर कम डालो तो चावलों में फ्लेवर थोड़ा कम रह जाते है तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच भर के इसमें चावल वो नमक डाल दिया है और ये जो चावल है मैंने इनको भिगो के रख दिया था ये बासमती चावल है पुलाव वाले जो चावल होते हैं वही चावल हैं ये और अब हमें इन्हें चावलों को इसमें कम से कम फिफ्टी या एट्टी परसेंट करीब हमको इसमें चावलों को पका लें तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल जो है पक चुके हैं मतलब एटी परसेंट पक चुके हैं अब इनको हम छान लेंगे और इसमें जो हमने जो तेज पत्ता वगैरह डाला था और ये जो खड़े मसाले डाले थे पोटली इन सबको हम निकाल के अलग से रख लेंगे तो यहाँ पे हमारे चावल बनके तैयार हो गए हैं तो अब हम जाते हैं अपने मटन की तरफ तो यहाँ पे हमारा मटन जो है वो बन पक चुका है अच्छे से सीटी मैंने ले ली थी हमें पूरे अच्छे तरीके से मटन को हमें पका लेना है तो यहाँ पे हम इसका स्टॉक अलग से कर लेंगे और ये जो हमने सारे खड़े मसाले वगैरह डाले थे इन सभी को हमको निकाल लेना है पीसेस अलग कर लेंगे स्टॉक अलग कर लेंगे इसको आपको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इन सब के अच्छे से जो स्टॉक वो बन तैयार हो गया और ये स्टॉक ही बहुत अच्छा होता है इस चाहो इसको चाहो तो आप बच्चों को दे सकते हो बड़ों को बूढ़ों को दे सकते हो ये बहुत हेल्दी होता है तो यहाँ पे हमने पीसेस अलग कर लिए थे अब लिए हम मैंने अपनी हांडी जो कि मेरी बिरयानी की हांडी है उसमें डाल दिए मैंने दो चम्मच के करीब ही, अब डाला है थोड़ा सा एक चम्मच के करीब शाही जीरा यहाँ पे मैंने एक प्याज को थोड़ा सा स्लाइस करके डाल दिया था और उसके बाद में हमने जो अपने मटन के पीसेस निकाले थे उन सभी को इसमें डाल देंगे इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मटन को जो है अच्छे से घी में फ्राई कर लेना वैसे हमारा मटन पूरा पक चुका है तो हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बस घी में अच्छे से थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे अब ये जो हमने स्टॉक बनाया था निकाला था अलग से उन सभी इस उस पूरे स्टॉक को हमको इसमें डाल देना है और बस एक थोड़ा सा बॉइल लिया था मैंने और बस अब जो चावल हमने निकाल के रखे थे वो सारे चावलों को इसमें डाल देना है और ये जो चावल मटन के साथ में मटन के स्टॉक के साथ में पकेंगे तो ये बहुत ही लाजवाब चावल बनेंगे

वो दम वगैरह तवा वगैरह नहीं रखा है तो यहाँ पे मैंने बनाया था जो केसर का दूध है केसर को दूध में डाल दिया था वो मैंने बनाया था तो वो मैं ऊपर से डाल दूंगी ये तो टोटली ऑप्शनल है आप चाहो तो यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या डायरेक्ट केसर भी इसके ऊपर डाल सकते हो और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और धनिया की पत्तियों को ये भी ऑप्शनल है पर धनिया ज़रूर डालिएगा धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुदीना से भी बहुत अच्छा आता है तो उसको डाल के बस इसको ढक के मैं रख दे रही हूँ हमारी बिरयानी बिल्कुल पुलाव बिरयानी बार बार मूद कर रहा है मुझे पुलाव जब बिल्कुल बन के तैयार है इनको थोड़ा सा चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं कुछ कलरफुल चावल और कुछ प्लेन चावल इसमें चावलों में बहुत ज़्यादा हम इसमें हम मसाले नहीं डालते ना तो ये पूरा बहुत ही टेस्टी लगता है ये और अब मैं इसको स्मोक कर रही हूँ थोड़ा सा कोयले से तो कोयले को, को गर्म करके मैंने इसमें रख दिया उसमें घी डाल दिया उसका स्मोक इसमें आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा तो यहाँ पे हमारी जो पुलाव है मैं बार बार बिरयानी बोल रही हूँ पता नहीं क्योंकि क्यों बिरयानी ज़्यादा बनाती हूँ इसलिए तो यहाँ पे हमारे जो है लखनवी पुलाव कह सकते हो आप या फिर अग्नि पुलाव कह सकते हैं या फिर तो ये बनके के तैयार होगा धनिया पुदीने से इसको डेकोरेट कर देंगे और ये बहुत ही डिलीशियस है हमारा मटन पुलाव मटन अखनी पुलाव बनके तैयार हो गया ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए इंतज़ार करिए एक डिलीशियस रेसिपी का मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय बाय